पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार छात्रों की बदसलूकी और मारपीट मामले में बिहार पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर बंगाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार से सिलीगुड़ी परीक्षा देने गए युवकों को धमकाने वाले बांग्ला पखुआ नामक कट्टरपंथी संगठन के एक सदस्य रजत भट्टाचार्य को बंगाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोपी से सिलीगुड़ी थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार बंगाल पुलिस ने रजत भट्टाचार्य के अलावा एक और आरोपी को भी पकड़ा है। बता दें कि बिहार के छात्र एसएसबी की भर्ती परीक्षा देने सिलीगुड़ी गए हुए थे। इसी दौरान बंगला पखो नामक कट्टरपंथी संगठन के लोगों ने छात्रों को धमकाते हुए कहा, बिहार का होकर वे लोग बंगाल में क्यों नौकरी करने आ रहे हैं। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा था, जिसके बाद बिहार पुलिस की ओर से इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए बंगाल पुलिस के सोशल मीडिया पर टैग कर आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की पहचान कर उसे कुछ घंटे में ही हिरासत में ले लिया गया। जानकारी के मुताबिक इस संगठन के द्वारा पहले से ही पश्चिम बंगाल में हिंदी में लिखे साइन बोर्ड को मिटाया जा रहा था। बता दें कि रजत भट्टाचार्य ने कुछ साथियों के साथ मिलकर बिहार के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया था। उसने कहा था कि जब बिहार से हो तो बंगाल में परीक्षा देने क्यों आए हो। इस दौरान ये लोग बिहार के छात्रों से उनके कागजात मांगते हैं, मना करने पर उनकी पिटाई भी करते हैं। इस दौरान वे लोग बिहार के छात्रों को जेल भेजने की भी धमकी देते हैं। आखिर में ये लोग छात्रों से उठक बैठक करवाकर उन्हें जल्द से जल्द बिहार लौटने की धमकी देते हैं। पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुद बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई का वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था। गिरिराज सिंह ने वीडियो शेयर करने के साथ अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार से सवाल भी पूछा था। गिरिराज सिंह ने अपने पोस्ट में बिहार परीक्षार्थियों के बंगाल में हो रही पिटाई को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कार्पेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चे के साथ मारपीट। क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं? क्या ममता सरकार ने सिर्फ बलात्कारियों को बचाने का ठेका ले लिया है क्या?